समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। एक लंबे वक्त से जेल में बंद आजम खान को इस बार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और अब ये रास्ता साफ हो गया है कि आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं। आजम खान की रिहाई के बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने ये कहा है कि जो भी हुआ वो सबके सामने है। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों पर तंजीन फातिमा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात साफ है कि समाजवादी कुनबे से आजम खान का परिवार नाराज है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान को समाजवादी पार्टी की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला नेता कहा जाता है। आजम खान की रिहाई की खबरों के पहले ये बात कही जा रही थी कि वो अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं। तमाम समाजवादी नेताओं से लेकर खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव और कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने इस बात के संकेत भी दिए थे। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगर आजम साहब नाराज हैं तो मैं उनसे मिलने जेल जाऊंगा और उनसे मध्यस्थता की बात करूंगा। लेकिन आजम की नाराजगी की खबरों के बीच अब ये बात कही जा रही है कि अगर वो जेल से रिहा होते हैं तो वो अपना राजनीतिक रास्ता बदल देंगे। आजम खान कहां जाएंगे इस बात को लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन रामपुर में जश्न की तस्वीरों के बीच तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो सपा से कहीं दूर जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा। आजम खान के बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये बात सिर्फ कयासों तक है और इसका कोई आधार नहीं दिखता। प्रमोद कृष्णम से आजम खान की मुलाकात को तमाम राजनीतिक मायने जरूर दिए गए थे, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने जेल से निकलने के बाद ही साफ कहा कि उन्होंने निजी तौर पर आजम से मुलाकात की है और इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन आजम खान की पत्नी ने गुरुवार को जो बयान दिया उससे ये बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान बेहद नाराज है। देखिए ये सच्चाई की जीत है। तो जिस तरह से ये आरोप लगे थे कि उनका मदद नहीं की अखिलेश यादव जी ने, या इस तरीके से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी, जो कुछ है वो सब आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अभी क्या आजम खान साहब यहीं आएंगे रामपुर, या आप सीतापुर जाएंगे? नहीं, सीतापुर अगर मैं जाऊंगी भी तो आजम साहब तब भी सीधे रामपुर ही आएंगे। तो कोर्ट के लिए, कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। और कुछ जो है राजनीतिक पार्टी या कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, घर आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया कहना चाहूँगी। अगर तंजीम फातिमा के इस बयान को राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि आजम खान के परिवार में अखिलेश यादव के प्रति कुछ नाराजगी जरूर है, लेकिन ये नाराजगी आजम खान को समाजवादी कुनबा छोड़ने के लिए मजबूर करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 2.5 साल से जेल में बंद आजम खान के लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आया है। हो सकता है जुमे के दिन उनकी रिहाई हो जाए, पहले ये रिहाई ईद के दिन होनी थी।